चलिए बात कर लेते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। मध्य प्रदेश राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आएगी 2 मार्च को मुरैना में मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। मध्य प्रदेश में 690 किलोमीटर यात्रा चलेगी, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस ने यात्रा के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। संगठनों प्रतिनिधियों से राहुल का संवाद होगा। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन भी राहुल गांधी करने वाले हैं। तो देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद में अब मध्य प्रदेश में एंट्री होने जा रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। इसी यात्रा को और भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। शबाना हमारे साथ में जुड़ी हुई है। शबाना, 2 मार्च को मुरैना में सबसे पहले प्रवेश करने वाली है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसको लेकर किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है? अभी मैं आपको बताना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी कर रही है, लगातार जो है पीसीसी चीफ कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, और जिन जिन इलाके से होकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरेगी वहां के कार्यकर्ता लगातार जो है यात्रा को सफल बनाने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, और जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च तो 2 मई को यहाँ पर पहुंचेगी, उसके बाद 2 मार्च को यहाँ पर पहुंचेगी, जिसके बाद जो है कार्यकर्ता लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी बाबा महाकाल के भी दर्शन करेंगे, जिसकी जानकारी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दी। तो कहीं ना कहीं इस यात्रा को सफल बनाने के लिए जो है लगातार कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। आप देखेंगे आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहां पर हाल फिलहाल में जो है कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े दिग्गज आप देखेंगे, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, इसके अलावा जो है काला पीपल से कुणाल चौधरी हार चुके थे, कहा जा रहा था ये इनका गढ़ है। कहीं ना कहीं कई ऐसे दिग्गज नेता है कांग्रेस के जिन्हें 2023 में शिकस्त मिली है, लेकिन 2024 में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी और क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस को एक बड़ी लीड दे पाएगी मध्य प्रदेश में, देखने वाली बात है। लौटूंगी, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शबाना तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा अब मध्य प्रदेश में एंट्री करने वाली है। 12 से 13 राज्यों में होकर ये यात्रा गुजर रही है। मणिपुर से इसकी शुरुआत हुई, महाराष्ट्र में इसका समापन किया जाएगा, लेकिन जो लक्ष्य है वो स्पष्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें लेकर कांग्रेस आए, और इसी के तहत मध्य प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों से होकर ये यात्रा गुजरने वाली है, जिस पर कितना असर पड़ता है ये देखने वाली बात है।